उधर से क्लास टीचर क्लास में आते हैं। सब स्टूडेंट्स हाइड होकर विश करते हैं। टीचर खुश होकर इसलिए बाहर मुझे अवॉइड किया है क्या कहकर सेंटिमेंट हो जाते हैं। तुम लोग मेरा एवर बेस्ट बैच, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं भूलूंगा कहते हैं। लूमी, मैं और सिची ने बहुत बार आपको तंग किया, फिर भी आपने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है कहती है। लूमी और जियांग बीच में आते हैं। फ्रेंडशिप के बारे में बात करके इमोशनल हो जाते हैं। लास्ट तक फ्रेंडशिप याद रखेंगे कहकर जाते हैं। जियांग के पापा संभाल के रखा हुआ सब सामान को निकाल के बाहर रखते हैं। उसको बेचकर पैसा इकट्ठा करने सोचते हैं और जियांग को सूप बनाकर देते हैं। जियांग टेस्ट करके खुशी से सूप की दुकान डाल दो कहता है। तब जियांग के पापा ठीक है, सूप का दुकान तो डाल देंगे, लेकिन नाम क्या रखेंगे कहकर पूछता है। जियांग अच्छा से सोचकर जियांग सुपरस्टार रखो कहता है। दुकान इनॉग्रेशन हो जाता है। लूमी जियांग को तुम्हारा नाम रखा है ना कहती है। तब जियांग के पापा उधर ही क्यों बात कर रहे हो, अंदर ले आओ कहते हैं। इधर लूमी की माँ रेडिश का सूप बनाती है और क्या क्या डालती है उसी को नहीं पता, और उसको लूमी के पापा को देती है। अच्छा सूप सोचकर पीते है, लेकिन सूप खराब था। और बीवी को क्या इतने समय तक सूप बनाने मालूम नहीं क्या कहकर पूछते हैं। तब माँ मैं तो मास्टर शेफ कहकर पीने लगती है, मगर उसको पीने नहीं हो रहा था, टेस्टलेस था। तब माँ सूप छोड़ दो। लूमी लीव में हर टाइम जियांग के पास जाती है ना, ये गलत है करके लूमी को यकीन दिला देने का। लाइफ लॉन्ग उसके साथ रह सकती है क्या कहकर पूछती है। लूमी के पापा वो लोग साथ में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है कहकर लव को सपोर्ट करता है। जियांग के पापा लूमी के लिए स्पेशल डिश बना के देता है। उसको लूमी अंदर रखे आते हो कहकर अंदर लेके जाती है। पापा जियांग को तुम हिसाब किताब देखना छोड़ दो, लूमी के पास जाओ कहते हैं। उसी समय में लूमी स्लिप होके गिरती है। पापा लूमी को पकड़ने के लिए जियांग को बोलता है। जियांग कुछ नहीं हुआ, चप्पल खराब हो गई है ना, मैं नई चप्पल ला के देता हूँ कहकर जाने लगता है। तब पापा तुम किधर जा रहे हो, लड़की को घर तक छोड़ आओ कहते हैं। तब लूमी परवा नहीं मैं चलकर जाती हूँ कहती है। तब जियांग ऐसा नहीं चलेगा, पापा ने ऑर्डर किया है, मैं खुद छोड़ के आऊंगा कहकर ले चलता है। जियांग के पापा एक ऐसा लड़का है प्यार करना नहीं जानता है। लूमी जियांग को मेरा वेट तुमको ज्यादा लगता तो मुझे उतार दो, मैं चल के आती हूँ कहकर बोलती है। जियांग नो प्रॉब्लम, कितनी भी वेट हो घर तक मैं ले चलूंगा कहकर जाते रहता है। दोनों को ऐसा देखकर लूमी की माँ को शॉक होता है, क्या हुआ कहकर पूछती है। लूमी चप्पल खराब हो गई कहती है। सिर्फ चप्पल खराब हो गया है ना, पैर टूट हुआ जैसा क्यों बिल्डअप दे रहे हो कहती है। लेकिन माँ जियांग को अंदर तक नहीं बुलाती है और वो जाने से पहले ही जोर से डोर क्लोज करती है। जियांग आंटी मेरे ऊपर गुस्सा है क्या पूछता है। उसको माँ ऐसा कुछ नहीं है कहती है। तब जियांग मुझे लूमी के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है कहता है। लूमी की माँ शॉक होती है और मैं क्या नहीं होने का सोच रही हूँ, ये सब जियांग बोल रहा है ना कहकर सोचती है। लूमी की माँ मेरे लड़की को कैसा लड़का चाहिए ये सब सोच रखी हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, लूमी को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छा कमाई करना चाहिए, ऐसा क्वालिटी वाला ग्रूम को ढूंढ रही थी कहती है। उसको जियांग मैं भी अच्छा कमाऊंगा, लूमी को अच्छे से देख लूंगा कहकर लूमी की माँ को मनाने के जैसा बोलता है। रात को सोने के टाइम में लूमी की माँ रूम आके मैं इधर ही सोऊंगी कहती है। तब लूमी क्यों तुम इधर सोने आई है कहती है। उसको माँ ने क्यों मैं इधर नहीं सो सकती है क्या कहकर लूमी को पकड़ के सोती है। लेकिन लूमी डिस्टरबेंस होता है कहकर हाथ निकालने बोलती है। तुम अभी बड़े हो गई है ना, बचपन में मेरे पास सोती थी, अभी मैं आई तो अवॉइड कर रही है क्या पूछती है। ऐसे ही बातें करके माँ लूमी को जियांग पसंद है क्या कहकर पूछ है। लूमी शर्माते हुए यस बोलती है। क्यों तुमको जियांग उतना पसंद है कहकर माँ पूछती है। उसको लूमी एक दिन में जियांग के हाथ में एक पेपर देखा, उसमें उसने समुंदर देखने के समय बारिश आने का, उसको अकेले देखकर एंजॉय करने का, मैं भी उसके साथ मिलकर उस सीन को एंजॉय करने का कहती है और जियांग के बारे में बहुत बात करने लगी। वो सुनकर माँ लूमी को बस मुझे नींद आ रहा है कहती है। बेटी को पसंद है सोचकर अपना इरादा बदल देती है। जियांग लूमी के साथ लव नहीं करूँगा कहकर बनाया हुआ
एग्रीमेंट कैसे कैंसिल करूंगा सोचकर क्यू के साथ रिहर्सल कर रहा था। क्यू उसको कैसे प्रपोज करते है करके ट्रेनिंग दे रहा था। जियांग लूमी को आइसक्रीम लाके देता है और हॉलीडेज का क्या प्लान है कहकर पूछता है। तब लूमी बड़ा कुछ प्लान नहीं है, पीना सोना कहती है। जियांग चलो बाहर घूम के आ सकते है कहता है। बाहर बहुत धूप है, मैं खाली हो जाऊंगी कहती है। तब जियांग ठीक है मैं अकेला ट्रिप जाऊंगा कहता है। वो सुन के मैं अभी आऊंगी कहकर उसके साथ भी चल जाती है। लूमी बीच में अपना गैंग देखती है और जियांग को छोड़कर वो लोग के पास भागती है। जियांग क्यू को क्या यार क्यों तुम लूमी के फ्रेंड्स को लेके आए हो, उसको क्यों तुम प्रपोज करने के समय ये लोग भी देखने दो कहता है। लूमी छोटी बच्ची की जैसा बॉल खेलने के लिए जिद पकड़ती है। सब लोग खुशी से बॉल खेलने लगते हैं, लेकिन लूमी और क्यू दोनों बकेट में बॉल फेंकने लगते हैं। तब जियांग मन में तूने ही प्रपोज का आइडिया दिया था, अब तू ही उसके साथ ही खेलते रहोगे तो मैं कैसे प्रपोज करूं, और खेल बस करो हम जूस लेके आते हैं कहकर लूमी के हाथ पकड़ता है। तब क्यू मैं भी चलता हूँ कहकर आता है। जियांग क्यू को तुम समझने का कोशिश करो, मैं और लूमी साथ में जाएंगे कहकर लूमी को ले चलता है। लूमी एंजॉय करने के लिए लिख कर लेती है, लेकिन जियांग मना करता है और लूमी के हाथ पकड़कर मैं बुड्ढा होकर चल नहीं पाऊंगा तो भी तुम्हारा साथ जीना चाहूंगा कहकर प्रपोज करता है। लूमी बीच किनारे खड़ी होकर जियांग को सिर्फ प्रपोज करना आता है। आज मेरा बर्थडे है, विश करना नहीं मालूम है, गिफ्ट देना नहीं मालूम है कर सोचती है। ठीक समय जियांग केक लेकर पहुंचता है और गिफ्ट भी देता है। तभी बारिश आ जाता है। अकेले एंजॉय करने के बदले में लूमी को ही देखता है। दोनों खुश हो जाते हैं। लूमी डील ओके है कहकर प्रपोज एक्सेप्ट करती है। जी और सिची शॉपिंग करने जाते हैं। उधर सिची जी को डरा के फोटो क्लिक करता है। उस टाइम में जी के हाथ से नोटबुक नीचे गिरता है। उसको सिची उठा के पढ़ने लगता है। जी नोटबुक दे दो कहकर पीछे भागती है। सिची उसको मार्केट पूरा घुमाता है और अपने उड़ाया रॉकेट बुक में देखता है और सिची को ही ज्यादा मार्क्स दिया हुआ पता चलता है। दोनों लगते हैं, दोनों के बीच में लव हो जाता है। गुगु और क्यू बैठ के क्यों अब तक जियांग लूमी नहीं आए हैं कहकर पूछता है। तब क्यू जियांग प्रपोज कर रहा होगा, दोनों खुशी से होंगे कहता है। सब आते हैं, लव के बारे में बोलते हैं, सब खुशी से नाचते हैं। इस तरह ये ड्रामा यहीं पर दी एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में इस लिख देना, और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी ये चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।